आपका फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अमेजिंग एंड्रॉइड ट्रिक के बारे में। टॉप 5 अमेजिंग एंड्रॉइड ट्रिक के बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पनवेल निकलने से पहले इस वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाए, बहुत काम आने वाली है आपके लिए। वीडियो को देख लेना एंड तक। दोस्तों जो हमारी पहली ट्रिक है उसके बारे में थोड़ा बात करें, तो यदि आप किसी वीडियो फाइल को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके केवल आप 5 सेकंड में वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं विदाउट किसी कन्वर्टर के। कैसे, तो उसके लिए देखिए मोबाइल स्क्रीन। दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है अपने फाइल मैनेजर में, जहाँ पर हमारी वो फाइल वीडियो फाइल है। तो मैं एक वीडियो फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं व्हाट्सएप पे मैंने एक वीडियो फाइल मंगाई थी, तो मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ये वीडियो पे मैं जाता हूँ वीडियो पे। अब ये वाली मेरी जो फाइल है, जो वीडियो में आप देख सकते हैं, ये वीडियो फाइल है इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको मैं अब ऑडियो में कन्वर्ट करता हूँ। करना क्या है, केवल इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और रीनेम, इस फाइल का रीनेम चेंज कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है MP4, यहाँ पर आपको कर लेना है MP3 और देन रीनेम चेंज। आप देख सकते हैं ये वाली फाइल थी, ये अब ऑडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर से हमें वीडियो में कन्वर्ट करना है, फिर से वही काम कीजिए, रीनेम पर जाइए और MP3 की जगह हमें कर देना है MP4, रीनेम चेंज, कन्वर्ट हो चुकी है वीडियो में। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में, वो क्या है। दोस्तों यदि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रैंक करना चाहते हैं, उसके मोबाइल में कुछ करना चाहते हैं, उसकी धड़कनें बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वाली ट्रिक को डिटेल में और एंड तक बिल्कुल देख लीजिएगा। चलो मोबाइल स्क्रीन पर चलो फिर। दोस्तों फ़ोन की सेटिंग में आना है, फ़ोन की सेटिंग में आने पर यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद देखना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन के बाद हमें इस पर ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलता है देखने को, एक सेटिंग हमें देखने को मिलती है शो सरफेस अपडेट, इसको केवल ऑन कर देना है और दोस्त का जो फ़ोन है ना उसको दे देना है। फिर आप दे सकते हैं उसके साथ क्या होने वाला है, किसी भी फंक्शन पर क्लिक करेगा डिस्प्ले, समझ रहे हो ना, समझो जब प्रैंक हो जाए तो उसको ज़्यादा परेशान ना करें, उसको दोबारा से ऑफ़ कर देना जिससे उसका फ़ोन पहले जैसा फिर से हो जाएगा। कैसे होगा, इसको ऑफ़ कर दो, फ़ोन नॉर्मल हो जाएगा, बट कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड की धड़कनें आप बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं थर्ड ट्रिक के बारे में, ये ट्रिक काफ़ी अमेजिंग होने वाली है और आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। कैसे, दोस्तों यदि आपको स्टोरेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपका कितने भी GB इंटरनल स्पेस हो या आपने एक्सटर्नल स्पेस भी लगा रखा है और आपने ड्राइव भी यूज कर रखा है, तब भी स्पेस वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो ये ट्रिक को पूरा देख लेना, सॉर्ट आउट हो जाएगी। कैसे, दोस्तों एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो यूज करते हो, टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। टेलीग्राम को मोस्टली लोग किसके लिए यूज करते हैं, केवल चैटिंग पर्पज़ के लिए। टेलीग्राम का मैं आपको एक ऐसा यूज़ बताने वाला हूँ आप हिल जाओगे। आप टेलीग्राम को स्टोरेज के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम को ओपन करके। दोस्तों टेलीग्राम को आप ओपन करने के बाद कोई एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, कोई एक ग्रुप क्रिएट आप कर लेते हैं, जैसे आप एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए और ग्रुप क्रिएट में ग्रुप में कोई भी नाम दे दीजिए, XYZ जैसा भी आप चाहो, और जैसे डन कर दीजिए। अब आप यहाँ पे कुछ भी डाटा स्टोरेज कर सकते हैं, बट वैसा वाला डाटा नहीं जो आपका लीक हो जाए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप नॉर्मली ऐसे मूवीज़ वगैरह होती हैं आप देखते हैं, बट डाटा नहीं रहता, कितनी भी GB का कितनी भी MB का डाटा यहाँ से शेयर कीजिए, ये आपका हमेशा यहाँ स्टोर रहे। मोबाइल से इंस्टाग्राम डिलीट भी हो जाता है, दोबारा ID बना के भी आप यहाँ से वो डाटा दे सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड के साथ वो डाटा शेयर करना चाहते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह होती हैं, तो इस ग्रुप में अपने फ्रेंड को ऐड कर दीजिए और मज़े से डाटा का यूज कीजिए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टोरेज की, इस ट्रिक को यूज़ कर लेंगे तो। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ ट्रिक के बारे में। दोस्तों यदि आपको कोई मैसेज नहीं करता है तो परेशान मत होइए, आप खुद को मैसेज कर सकते हैं,
लव यू वगैरह बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कैसे? चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। दोस्तों यहाँ से हमें अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल को क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च करना है wa.me/+ का आइकन 91 आपका इंडिया का नंबर है तो, और अपना नंबर डायल कर दीजिए यहाँ पे जिससे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। नंबर डायल करने के बाद गो पे क्लिक कर दीजिए। गो पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू चैट पर क्लिक करना है। आप अपने व्हाट्सएप पर रिकनेक्टेड हो जाएंगे। आप दे सकते हैं, आप जी खोल के अपने आप को मैसेज कर सकते हैं यहाँ से। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाला टिक है ना वो भी लग रहा है, क्योंकि आप अपने मैसेज खुद पढ़ रहे हैं। गर्लफ्रेंड के चक्कर मत पड़ो कि उसने ब्लॉक कर दिया, उसके चैट बॉक्स को यूज़ कर रहे हो नोट्स के लिए, घर के राशन लिखने के लिए या कोई बात लिखने के लिए। अब खुद को मैसेज करो और मज़े से चैटिंग करो, टेंशन बिल्कुल मत लो। दोस्तों अब बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट ट्रिक के बारे में। दोस्तों यदि आप गूगल क्रोम से या गूगल के किसी भी ब्राउज़र से किसी पिक को, होता ना कि कोई पिक होती है हमें किसी को सेंड करनी रहती है, तो पहले उस पिक को हमें डाउनलोड करना रहता है, देन व्हाट्सअप पे शेयर या किसी पे भी शेयर करना रहता है। बट आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको वो पिक डाउनलोड भी नहीं करनी है और आपको जहां चाहो वहां शेयर भी कर सकते हो। कैसे? कैसे कैसे के लिए जाना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन की तरफ। दोस्तों मैं यहां से गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद मैं इस पिक को सिलेक्ट करता हूं। इस पिक को मुझे किसी एक फ्रेंड को सेंड करनी है, उसके लिए मैं इस पिक पर क्लिक करता हूं। यहां एक ऑप्शन मिलता है कॉपी इमेज, इस पर मुझे क्लिक कर देना है। देन यहां से मुझे बैक चला जाना है और फिर मुझे क्या करना है, कहां शेयर करनी है, चलो वो व्हाट्सअप पे कर लेते हैं, मोस्टली चीज़ें तो व्हाट्सअप पे शेयर होती हैं, तो व्हाट्सअप को कर लेते हैं यहां से ओपन। व्हाट्सअप को ओपन कर लिया है कि भैया पासवर्ड तो मैं हर जगह रखता हूँ, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी फोल खुल जाएगी। तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करके व्हाट्सअप में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से मैं एक जो सेल्स भाई है ना, चैट को ओपन कर लेता हूँ। मैंने चैट को यहाँ से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जैसे ही मैं डायरेक्ट पैड पर क्लिक करूँगा तो जो पिक मैंने कॉपी कर रखी थी आप दे सकते हैं यहाँ पर आ गई। बस मुझे कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है, देन सेंड। मैंने पिक को डाउनलोड नहीं किया, पिक मैंने जहाँ मुझे सेंड करनी थी वहाँ मैंने सेंड कर भी दी। कैसी लगी ट्रिक, मज़ा आया? तो दोस्तों ये थी हमारी 5 अमेजिंग एंड्रॉयड ट्रिक। आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी मज़ेदार अच्छी बढ़िया वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों यदि आप क्रोम ब्राउज़र के 10 हिडन सीक्रेट फीचर्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।